Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भिवंडी के लोग गड्ढे और नाले से हो रहे हैं परेशान। मैं मोहम्मद इश्तियाक, एमएम टाइम न्यूज में आप सबको स्वागत है। भिवंडी के निजामपुर दूसरा मोहल्ला के शांति नगर नगरवासियों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपील की कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है, वहाँ गड्ढे और नाले काफी बदतर हो चुके हैं। तो हमारे रिपोर्टर सैयद साजिद ने वहाँ पहुँच कर वहाँ के हालात का जायजा लिया और वहाँ के नगर सेवकों से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने सारे नगर सेवक एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। उसमें से एक नगर सेवक अंसारी मोहम्मद अलीम जी सामने आकर हमारे रिपोर्टर से बात की और म्यूनसिपल कॉरपोरेटर कमिश्नर को एक लेटर लिखकर दाखिल किया और अलीम जी ने कहा कि हम जल्द से जल्द इसका निवारण निकालेंगे। आइए देखते हैं वहाँ क्या है हाल और हमारे संवाददाता ने क्या की बात। फरजाना हसन शेख, आज आप लोग हलीम सर के ऑफिस में गए थे, क्या रीज़न था जिसकी वजह से आप लोग उनके ऑफिस में गए? आप लोग हमको लेकर गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको ऐसा हलीम भाई से बात करके ऐसा लगा वो हमारा काम करेंगे और हमारे पास गटर का मसला है, बस वो हो जाए। पूरे जालियाँ खुली है, पूरे गटरें टूटी है, जो आज 15-16 साल से ना हमारे गटरों का काम हुआ ना सफाई होती है हमारी गटरों में। बुलाए तो बोलते नहीं, अभी टाइम नहीं है, हमारे को पहले आके ऑफिस में बोलो। हम लोग ऑफिस में भी जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, मगर फिर भी हमारी गटरें साफ़ नहीं होती है। ऐसा कितनी बार हुआ, कई सालों से बच्चे गिर जा रहे, पूरी जाली पानी ऊपर से बह रहा है, नमाजी जाते हैं हाँ वैसे बेचारे जाते, पूरा छिट्टा आंग पे आता है, सब कुछ बहुत तकलीफ है। खाली गटर का मसला है हमारा और कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज हम हलीम अंसारी साहब से बात करके ऐसा लगा कि हमें हमारा काम होएगा, एमएम टाइम न्यूज़ के ज़रिए हमारा काम पक्का होएगा और हलीम सर के ज़रिए हमें पूरी उम्मीद है। और आप भी हलीम शेख आप साहब हमारा काम करिए, ज़रूर उम्मीद लगा के हम आपके ऑफिस पे आए, महानगर पालिका जूनी आपके ऑफिस। हम सर के ऑफिस में गए थे, क्या रीज़न था जिसकी वजह से आज लोग आप लोग उनके पास गए थे? मैम ये रीज़न तो यहाँ की गटर का है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर गटर खुली है। लास्ट टाइम हम आपके पास यहाँ पर आए थे और हमने आपकी ये जो नाले की स्थिति है हाँ। ये वीडियो हमने चलाई भी थी जी। इसके बाद आप लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, उसके हाँ। बाद हमने वहाँ के जो हलीम सर हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने आपको आज बुलाए थे जी। आपके माध्यम से हम महानगर पालिका में गए थे ऑफिस में हलीम भाई की। तो आज जो आप हलीम सर के ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन बनाया है आपने, और एप्लीकेशन को लेकर जो हलीम जी के ऑफिस पे जाया है, तो हलीम जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? जी हमको यही आश्वासन मिला है कि आप अपना एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी तैयार करके वहाँ सबमिट करें और आपका काम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मीडिया वाले लोग का भी निकले थे, मीडिया के साथ में लोग आए थे। क्या नाम है तुम लोग का? एमएम टाइम न्यूज। एमएम टाइम न्यूज मतलब ये लोग के साथ में पब्लिक आए थे और मोर्चा लेते हैं, तो ये परिसर में उसका साथ में अपन छोटे भी लोग है और वहाँ का जो गटर वीटर था जितनी जल्दी होगा थोड़ा सा काम गटर पाके ना, बच्चे गिर रहे हैं, आप बड़े लोग गिर रहे हैं। अरे मेरे को दिखाने दो यार, तुम लोग जवाब दे रहे हो।
आपने देखा कि किस तरह वहाँ के लोग समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से वहाँ के पैनल के 4 नगर सेवकों से विनती करते हैं कि इनको जल्द से जल्द समस्या का निवारण निकाले और वहाँ की समस्या दूर हो। तो ऐसी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए MM टाइम न्यूज़। हमें आपके साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।